पटेल मैदान पर 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में इस बार 800 छात्र छात्राएं सामूहिक व्यायाम में हिस्सा लेंगे। परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मार्च पास्ट, बैंड में भी विद्यार्थी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसका अभ्यास मंगलवार से पटेल मैदान में प्रारंभ हो गया। व्यायाम प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि सरकारी व निजी स्कूलों के 800 छात्र छात्राएं सामूहिक व्यायाम करेंगे। परेड में 240 स्काउट गाइड कैडेट्स हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में करीब 300 छात्र छात्राएं सामूहिक नृत्य में अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं बैंड में 9 स्कूलें एवं मार्च पास्ट में 6 स्कूलें शामिल होंगी। पूर्वाभ्यास मंगलवार सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ हो गया। तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 14 बदली कर, एक, दो, चार, पांच, छह, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, अरे बराबर आ गया, नौ, दस, का हट बनानी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, त्रियम, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। तीन दिन से हम तैयारी कर रहे हैं। इसके उपलक्ष्य के अंदर हम पीटी के अंदर व्यायाम के अंतर्गत हमने भारतीयम की एक्सरसाइज और मेयोपोल की एक्सरसाइज ली है, जिसके अंदर करीब 900 विभिन्न स्कूलों के बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अभी 1 से 8 तक की छुट्टियां होने के कारण बच्चे कम आ रहे हैं। 13 तारीख से जब बच्चे पूरे आ जाएंगे तो हमारी पूरी एक्सरसाइज चालू होगी। और इस बार मेयोपोल का एक रिबन्स का हम नया व्यायाम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो शहर वालों को नया देखने को मिलेगा। कितने बजे से कितने बजे चल रहा है? ये सुबह 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक व्यायाम का होता है, और 12:30 से लेके 2 बजे तक संगीत का और डांस की प्रैक्टिस। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।